देश में अच्छी वर्षा के चलते फसल वर्ष 2021-22 जुलाई जून के खरीफ सत्र में खाद्यान्न उत्पादन 15 करोड़ टन से अधिक के नए रिकॉर्ड स्तर को छू सकता है। कृषि सचिव संजय अग्रवाल ने ये जानकारी दी। दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन के साथ जून में धान जैसी खरीफ फसलों की बुआई शुरू हो जाती है, ये इस महीने के अंत तक समाप्त हो जाएगी। वहीं देश के अधिकांश भागों में कटाई अक्टूबर से शुरू हो जाएगी। संजय अग्रवाल के अनुसार इस साल अब तक अच्छी बारिश हुई है। चौथे अनुमान के अनुसार पिछले साल कुल खरीफ खाद्यान्न उत्पादन 14,95,60,000 टन रहा। क्योंकि इस साल दलहन और धान के रकबे में वृद्धि होने की संभावना है, इसीलिए खाद्यान्न उत्पादन निश्चित रूप से पिछले साल खरीफ सत्र के मुकाबले कहीं अधिक होगा। उन्होंने कहा कि कृषि मंत्रालय इस साल खरीफ सत्र में खाद्यान्न उत्पादन 15 करोड़ टन से अधिक होने की उम्मीद कर रहा है, जो फसल वर्ष 2020-21 के इसी सत्र में हासिल किए गए 14,95,00,000 टन से अधिक है। उन्होंने कहा कि इस खरीफ सत्र के लिए देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन का पहला अनुमान 15 सितंबर के आसपास जारी किया जाएगा। संजय अग्रवाल का कहना है कि पिछले साल के मुकाबले अब तक की बुआई का रकबा 10,00,000 हेक्टेयर कम होने के बावजूद खरीफ खाद्यान्न उत्पादन अधिक होने का अनुमान है, क्योंकि मंत्रालय को सितंबर अंत तक बुआई के रकबे का अंतर कम होने की उम्मीद है। उन्होंने ये भी कहा कि इस साल 10 सितंबर तक खरीफ फसलों का कुल रकबा 1,096.70 लाख हेक्टेयर तक पहुंच गया, जबकि एक साल पहले की अवधि में यह रकबा 1,106.57 लाख हेक्टेयर था। सचिव का कहना है कि धान और दलहन के खेती के रकबे में मामूली वृद्धि हुई है, जबकि मोटे अनाज, कपास और मूंगफली जैसी फसलों के क्षेत्र में बड़ी गिरावट आई है। उनका ये भी कहना है कि बुआई के रकबे में अंतर कम हो रहा है, क्योंकि कुछ हिस्सों में बुआई इस समय महीने के अंत तक खत्म हो जाएगी। मौजूदा स्थिति को देखते हुए निश्चित रूप से इस बार बेहतर उत्पादन की उम्मीद है। संजय अग्रवाल का ये भी कहना है कि राज्यों को खरीफ फसलों की खरीद के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए कहा गया है, क्योंकि कुछ राज्यों में इन फसलों की आवक शुरू हो गई है। उदाहरण के लिए कर्नाटक में दलहन की फसल की आवक शुरू हो गई है और राज्य सरकार को लगभग 40,000 टन की खरीद की अनुमति दे दी गई है। सचिव ने कहा है कि उल्लेख भी है कि वह पराली जलाने के मुद्दे पर पंजाब और हरियाणा के साथ बैठक भी करेंगे। वहीं केंद्र ने पराली जलाने से पैदा होने वाले वायु प्रदूषण से निपटने के लिए वित्त वर्ष 2021-22 में पंजाब को करीब 235 करोड़ रुपए और हरियाणा को 141 करोड़ रुपए दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।